नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार और RBI ने लोन मॉरेटोरियम पीरियड को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार और RBI ने दोनों ने मिलकर कर्जदारों को राहत देने का कार्य करने की योजना बनाई है और इस एक्सटेंशन पीरियड में उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा जिन्होंने छोटे स्तर पर लोन लिया है। इसमें बड़े स्तर के लोन को शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे जिन्होंने कमर्शियल लोन लिए हैं जो 4 करोड़ 5 करोड़ या उसके ऊपर के लोन हैं। इनमें कुछ सेक्टरों को छूट दी जाएगी, लेकिन इनमें हर सेक्टर को छूट नहीं दी जाएगी। तो क्या कुछ गवर्नमेंट और RBI ने निर्णय लिया है और किन किन सेक्टरों को इस लोन मॉरेटोरियम पीरियड का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा, और कब तक इस लोन मॉनिटोरियम पीरियड को बढ़ाया जाएगा और कैसे बढ़ाया जाएगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून से संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ रोज इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार और RBI ने मिल करके लोन मॉनिटोरियम पीरियड को, जो बहुत समय से मांग की जा रही थी, उसको एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसको एक्सटेंड कब तक किया जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। तो देखिए, इसको एक्सटेंड 31 मार्च 2021 तक किया जाएगा। कहने का मतलब है कि लोन मॉनिटोरियम पीरियड की जो नेक्स्ट अवधि है 4.0, इसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का गवर्नमेंट और RBI ने निर्णय लिया है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यह किन सेक्टरों को लाभ पहुंचाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात आपको क्लियर मैं कर दूं, जो छोटे कर्जदाता हैं जिन्होंने 2 करोड़ रुपए तक के लोन लिए हैं, यह उनके लिए ही योजना है। बड़े उद्योगपतियों जिन्होंने बड़े बड़े कमर्शियल लोन लिए हैं, उनके लिए इस प्रकार से यह लोन मॉरेटोरियम पीरियड की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे पहले ही स्पष्ट कर दिया था जिनका लोन इंटरेस्ट माफ होगा उन्हीं को लोन मॉरेटोरियम एक्सटेंशन पीरियड का भी लाभ दिया जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को यदि इस प्रकार की योजना का लाभ दिया जाने लगा तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जा गई। तो इसलिए RBI और भारत सरकार ने केवल 2 करोड़ रुपए तक के लोन लेने वाले व्यक्तियों के लिए ही लोन मॉरेटोरियम पीरियड को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे क्या होगा कि छोटे कर्जदारों की सहायता भी हो जाएगी और हमारे अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसमें कि ये किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, इसमें 6 महीने पीरियड को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब यह 6 महीने ये 2-2 महीने 3 बार में बढ़ाएंगे, या फिर 3-3 महीने 2 बार में बढ़ाएंगे, या फिर 6 महीना 1 ही बार में बढ़ाएंगे, यह RBI और भारत सरकार के निर्णय पर स्थित है। लेकिन यह 6 महीना कैसे होगा, क्या ये 6 महीने का लोन मॉरेटोरियम देंगे या नहीं देंगे, यह भी भारत सरकार और RBI के निर्णय पे डिपेंड करता है। लेकिन इसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, यह सर्वविदित है। तो ये था अभी तक का अपडेट। यह अपडेट आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और अपना सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।